Hey everyone, Ram there. I am Prashant Nimala Singh Chauhan, teaching English here at Doon Defense Academy, Dehradun. So today we are discussing a brief introduction of present indefinite tense. As I said, a brief introduction, so I am going to tell you a very important concept that generally asked in the examination, and that is it. Let's begin. So the concept says, when we discuss two incidents of future, one will be in present and other will be in future. It means, जब हम भविष्य में होने वाली दो घटनाओं का जिक्र करते हैं, तो एक incident यानी कि एक घटना हम रखते हैं present में, और एक घटना या एक incident हम उसकी बात करते हैं future में. So, let me explain it to you कि जैसे अगर मैं बोलूँ, for example, ऐसे हम जनरली बातचीत की भाषा में भी इस्तेमाल करते हैं कि जैसे जब मैं आगरा आऊंगा तब तुमसे मिलूंगा, या जब मैं खाना खा लूंगा तब तुमसे बात करूंगा. सो यहां पे दो कंडीशंस जनरेट हो जाती हैं. पहली दो स्टेटमेंट है, पहला है जब मैं आऊंगा, तो दूसरा है तब मैं मिलूंगा. तो इसका मतलब यह है कि उसने एक स्टेटमेंट में कंडीशन डाल दी है, इसीलिए हम इसको प्रेजेंट कंडीशनल टेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि कंडीशन तो है, उसने डाल दी है कि जब वह आएगा तब मिलेगा. इट मींस अगर आएगा नहीं तो मिलेगा नहीं. तो इसको एग्जांपल से समझते हैं. जैसे मैंने यहां कहा, आई शैल यूज माई अम्ब्रेला इन केस इट विल रेन. तो इसका मतलब ये बोल रहा है, I shall use my umbrella. इसका मतलब I shall use, मैं use करूंगा या उपयोग करूंगा मेरा umbrella in case. In case यहां से condition create होगी, क्योंकि in case का मतलब क्या है, अगर it will rain. तो अगर वाला clause, यानी कि देखा जाए तो ये conditional clause बना ना, अगर ऐसा होगा, यानी कि अगर बारिश होगी तब मैं अपना umbrella use करूंगा, right? तो ये जो है, यहां से ये वाला क्लॉज इतना, इसी को बना दिया हमने कंडीशनल क्लॉज. तो ये कंडीशनल क्लॉज, अब दो एक्शंस हैं ग्राउंड पर, हम दो एक्शन का जिक्र कर रहे हैं ग्राउंड पर. एक है एक्शन वन और एक है एक्शन टू. तो एक्शन वन क्या है, अगर देखा जाए तो पहले क्या होगा, वो अपना छाता कब इस्तेमाल करेगा, उसके लिए बारिश तो होनी चाहिए. सर तो यही डाल दिए कि जब बारिश होगी तो अम्ब्रेला यूज करेंगे. तो आपके और हमारे दोनों लोगों के अकॉर्डिंग एक्शन वन तो ये बन गया, इट विल रेन. जब ये होगा तभी ये एक्शन टू हो सकता है, यानी कि यूज ऑफ अम्ब्रेला. तो कॉन्सेप्ट सेज द एक्शन वन, द वेरी फर्स्ट एक्शन हैपनिंग ऑन द ग्राउंड विल रिमेन इन प्रेजेंट, विल रिमेन इन प्रेजेंट. And another action will remain in future. Right? So hope you get it. So the first action here is it will rain. अगर rain होगी, बारिश होगी, तभी वो जो है अपना छाता इस्तेमाल करेगा. तो ये वाला clause हम present में रखेंगे. और जैसे ही present में रखेंगे, तो ये जो will rain है, ये automatically remove हो जाएगा. और इसकी जगह पर हम लिखेंगे rains. Rains. Yes friends, rains. Why rains? इसमें मैंने S Q ऐड किया क्योंकि I need V5 just because of this subject it. As you know, it always considered as singular. Right, clear? अगर अभी नहीं समझ आया आपको, तो let's take another example to make you understand well. The next example says, my father will wait for me until I do not reach. It means मेरे फादर मेरा वेट करेंगे जब तक मैं पहुंच नहीं जाता. अब आप कहेंगे कि सर यहां तो ठीक है, एक क्लॉज आपका फ्यूचर में है विल, यानी कि माय फादर विल वेट फॉर मी, और दूसरा क्लॉज है आई डू नॉट रीच, यानी कि प्रेजेंट में ही तो हो गया, राइट? तो आप कहेंगे उस हिसाब से इसका आंसर डेल्टा होना चाहिए, नो एरर. बट हियर कंडीशन कहां से क्रिएट हो रही है, इस वर्ड से. अंटिल, until word, let me tell you friends, it has negative sense in itself. It has
नेगेटिव सेंस इन इटसेल्फ। तो इसी में मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूं कि इसमें जब एक बार नेगेटिविटी आपको दिख गई है अंटिल में, तो दोबारा से वापस से आप उस क्लॉज के अंदर नॉट वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। अंटिल के साथ भी सिमिलर चीज होती है, अनलेस के साथ भी, क्योंकि अनलेस और अंटिल दोनों ही अपने आप में नेगेटिव सेंस रखते हैं, बोथ आर नेगेटिव। तो ये डू नॉट नहीं होगा, यहां पर हम सिंपल बोलेंगे अंटिल आई रीच। सो द एरर पार्ट इज चार्ली। एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? तो जेंटलमैन, ये क्वेश्चन है जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशंस में पूछा जाता रहता है, एनडीए के पेपर में, सीबीएसई के पेपर में, एफकैट में भी आता है, और जो वेरियस एग्जामिनेशंस हैं उनमें भी ये पूछा जाता रहता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर द डे। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरीज, प्लीज ड्रॉप डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ यू लाइक दिस कॉन्सेप्ट जस्ट हिट द लाइक बटन and subscribe the channel. Thank you very much guys watching it. Thank you, have a nice time.